गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 8 मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको इसमें ये फिलअप्स फिल करने हैं, तो आपको आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन है 14 × 6। आपको ये इक्वल का निशान दिखाई दे रहा है। आपको मैथ्स में हमेशा इक्वल के इस निशान के इस तरफ जो डिजिट्स होती है वो ही डिजिट्स इस तरफ होती है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा 14 × 6, आपको एक फिल दे दिया है और 14 यहाँ पे दिया है, तो आपको ये 6 यहाँ पे फिल करना है। दोनों तरफ की संख्याएं आपको बराबर करनी है कि जो इधर है वो ही इधर है, इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2834 इंटू एक फिलअप दिया है, इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 आया है तो आपको ऐसी किसी संख्या से गुणा करना है कि 0 आए, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 भी आता है, तो यहाँ पर आप 0 भर देंगे, 0 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 × ये आपको एक ब्रैकेट दिया है जिसके अंदर आपको 8 × 2 दिया है, इज इक्वल टू आपको सामने 2 फिलअप दिए हैं और 1 2 दे दिया है, तो आपको जो डिजिट उधर दिखाई नहीं दे रही है वो डिजिट आपको लिखनी है। 2 तो आपको दिखाई दे रहा है, तो 7 × 2 को आप फिल के अंदर फिल कर सकते, 7 × 8 को आप अंदर फिल कर सकते। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 2 × 2 × 4 × 6 × 2 इज इक्वल टू आपको सामने 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही है, 1 वहां पे है नहीं, तो आप देख लीजिए कौन सी डिजिट वहां नहीं है, जैसे 4 यहाँ नहीं है तो आप 4 यहाँ पे फिल कर दीजिए, इस तरीके से ये और ये बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये फिलअप्स करते हैं। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20 देखेंगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई सिखाई गई है, तो आपने जैसे पिछले वाले चैप्टर नंबर 7 में आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न की थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करने आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 × 3, तो आपको 3 की टेबल 8 बार बोलो, चाहे 8 की टेबल 3 बार बोलो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इससे मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न होनी चाहिए। जैसे इसमें है 3 की टेबल आप 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 3 × 8 = 24। इसी प्रकार से आगे वाले में आपको दिखाई दे रहा है 4 × 6, तो आप 6 की टेबल 4 बार बोल लीजिए, 6 × 4 = 24। नेक्स्ट है 5 × 5, तो चाहे 5 की बोल लीजिए, ये तो दोनों तरफ से सेम ही है, 5 × 5 = 25। और 7 की 9 बार बोलेंगे तो 7 × 9 = 63। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, ए बॉक्स हैज 7 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 4 बॉक्सेस। कि आपको एक बॉक्स है जिसमें 7 एप्पल आते हैं, तो आपसे 4 बॉक्स के में पूछा है कि 4 बॉक्स में कितने एप्पल आएंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे एप्पल्स इन 1 बॉक्स, कि 1 बॉक्स में कितने एप्पल है 7, और एप्पल्स इन 4 बॉक्सेस जो आपसे 4 बॉक्स का पूछा है, तो एप्पल्स इन 4 बॉक्सेस इज इक्वल टू 7 × 4, तो आपके पास आ जाएगा 28 एप्पल्स। 4 बॉक्स में 28 एप्पल्स आएंगे। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और है, जैसे द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इच, एक नोटबुक का मतलब पैसे दिए आपको, एक नोटबुक अगर 9 रुपए की है 9 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच नोटबुक, यानी आपको एक का देके 6 का पूछा है, तो आप पहले आंसर लगा के लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज, एक नोटबुक का कितना है रुपीज 9, तो कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक इज 9 × 6, इस तरीके से आप लिख लेंगे। 9 × 6 कितना होता है, 6 की टेबल 9 बार बोले चाहे 9 की टेबल 6 बार बोले, 9 × 6 = 54, तो आपके पास आ गया कि एक नोटबुक का अगर 9 रुपीज थे तो 6 नोटबुक के आपके पास 54 रुपीज हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में भी करनी है। थैंक यू।